गीता क्लास में इन बच्चों को कुछ नियम दिए गए हैं जिनका ये हमेशा पालन करते हैं और उस नियमों के आधार पर ही इनकी एक कॉपी बनी हुई है और बच्चे रोज नियम पालन करके कॉपी में राइट रॉन्ग भी लगाते हैं। अब इन्हीं से सुनिए ये कौन से नियमों का पालन करते हैं। राम राम। हमारी गीता क्लास के नियम इस प्रकार है। पहला, प्रणाम करना। दूसरा, गंगा जल का आचमन करना। तीसरा, भगवान सूर्य देव व तुलसी माँ को अर्घ्य देना। चौथा, 7 बार सीता माता व कुंती माता बोलना। पांचवा, नित्य पठनीय 5 श्लोक का पाठ करना। छठा, सामान सुव्यवस्थित रखना। सातवा, नित्य गीता जी का पाठ करना। आठवा, बड़ों का कहना मानना। नवा, झूठ नहीं बोलना। दसवा, राम राम लिखना। ग्यारहवा, घर से बाहर जाते समय 4 बार नारायण नारायण बोलना। बारहवा, कुछ भी काम करने से पहले श्री हरि लिखना। तेरहवा, टीवी व मोबाइल देखते हुए प्रसाद नहीं पाना। चौदहवा, प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना। पंद्रहवा, क्रोध नहीं करना। सोलहवा, 2 समय ब्रश करना। सत्रहवा, सप्ताह में 1 बार नाखून काटना। मीरा, सुबह उठते ही कौन सा श्लोक बोलते हैं आप? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। धरती माँ को प्रणाम करते समय समुद्र वसने देवी, पर्वतस्ते न मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम शमस्वमे। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय एही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहनार्द्यम दिवाकर। और तुलसी माँ को जल सींचते समय तुलसी श्री सखी शिवे, पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते, नमो नारायण प्रिय। और गंगा जल लेते समय अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम, पुनर्जन्म न विद्यते। और स्नान करते समय ब्रह्म स्वरूपिणी, विष्णु पादोदकी, जटाशंकरी, जाह्नवी, भागीरथी, हर हर गंगे हर हर गंगे। अच्छा, आपके नियमों में से गंगा जल लेना यह भी नियम है, उसका महत्व बताओ। जय श्री कृष्णा। गंगा जल लेने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। गंगा जी के प्रति श्रद्धा व विश्वास बढ़ गया है। गंगा जी, अब मुझे गंगा मैया लगने का अवतरण किस प्रकार हुआ यह सब टीवी पे बताया गया, तब मालूम पड़ा। कितनी मुश्किलों के बाद गंगा मैया इस पृथ्वी पे आई है और हमें इतनी आराम से मिल रही है, तो क्या हम थोड़ा सा आचमन नहीं कर सकते? तब हमें पता है कि थोड़े से ही आचमन से हमारा कल्याण हो जाए व मुक्ति हो जाए। अतः इस पंडाल में जो भी लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि वे रोजाना गंगा जल का आचमन करें। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को गंगा जल का आचमन कराएं। बोलो गंगा मैया की जय। प्रतिदिन गंगा जल का चरणामृत लेना चाहिए। और आप लोगों को कल सूचना दी थी, यहाँ अपने गंगा जल की व्यवस्था की है, बाहर परम सेवा के किट उपलब्ध है, जरूर आप ये लेकर के जाएं और नियम लेकर के। इन छोटे बालकों को देखकर अब तो आप स्वीकार करो, जब इतने छोटे छोटे बालक इन्होंने नियम स्वीकार किया है तो हमने इतनी उम्र प्राप्त कर ली। आज तक जिन चीजों से हम जानकारी नहीं रख रहे थे, अब जानकारी हो रही है। तो गंगा तट पर आए हो तो पक्का ये नियम बना करके जाओ, अब हम प्रतिदिन गंगा जल का चरणामृत लेंगे। राम राम। हमारी गीता क्लास का एक नियम है, घर से कहीं भी जाने से पहले 4 बार नारायण 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 ऐसा बोलकर निकलना।
पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रवचनों में कई बार इस बात का उल्लेख आया है। एक बार पूज्य भाई जी और पूज्य महाराज जी गाड़ी में साथ साथ कहीं जा रहे थे। गाड़ी स्टार्ट होने पर पूज्य भाई जी ने चार बार नारायण 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 बोला। तब पूज्य महाराज जी ने भाई जी को इस विषय में पूछा, तब उन्होंने बताया कि उन्हें यह बात पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बताई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को यह प्रसाद उनकी माता जी ने दिया था। उनकी माता जी ने बोला कि बेटा, आज तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम कोई भी कार्य आरंभ करो या घर से कहीं भी जाओ तो चार बार नारायण का स्मरण करके ही जाना। इससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। तब मालवीय जी बताते हैं कि जब उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनाना आरंभ किया, तब जब कभी भी वे बिना भगवान के स्मरण के निकले, तब उन्हें असफलता ही प्राप्त हुई। और जब जब उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और कार्य आरंभ किया, तब उन्हें सफलता ही मिली। तो महापुरुषों के इस प्रसाद को यहाँ बैठे सभी भाई बहन अपनाएं। आप भी घर से कहीं भी जाए तो चार बार नारायण 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 कहकर ही निकले। इसका फल यह होता है कि भगवान नारायण हमारे साथ होकर हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। नारायण 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 नारायण। बहुत ही सुंदर बात। अब ये नियम रखें, घर से निकले हैं तो हाय यल्लो नहीं करना है। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। चार बार नारायण 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 बोल के निकलना है। अगला नियम, टीवी देखते और मोबाइल देखते प्रसाद नहीं पाना। जय श्री कृष्णा। हमारे गीता क्लास के नियमों में से एक नियम है टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना। टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन करने से मोबाइल के हार्मफुल रेडिएशंस हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं। टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन करने से हमें यह भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या खाया है और कितना खाया है। माँ ने जितनी रुचि से हमारे लिए वह भोजन बनाया होता है, उतनी रुचि से हम उसे नहीं करते। भोजन करते समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे एक्टिव होता है, लेकिन अगर हम उस समय टीवी या मोबाइल देखते हैं तो भोजन हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और जितनी ताकत हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि टीवी व मोबाइल देखते हुए भोजन न करें। नारायण नारायण। बहुत ही सुंदर। देखो ये नियम आजकल ये हमारी माता बहने जन्मते ही बालक को मोबाइल पकड़ा देती है, दूध पिलाती है, भोजन कराती है, ग्रास देती है, तो बालक ग्रास भी तब लेता है जब आगे मोबाइल रखा हुआ होता है। आते किया कामड़ा किने दीजे दोष। फिर कहते हैं बालकों में ये दोष है, बालक में ये बातें हैं। अब संस्कार तो हमने दिए, ये माताएं बहने स्वयं मोबाइल देखते हुए टीवी देखते हुए भोजन करती है तो गर्भ में ही बालक में वो संस्कार आ जाते हैं। आज तक छोटे छोटे बालक जन्मते ही मोबाइल चलाना जानते हैं, जन्मते ही सारी बातें सीखे हुए आते हैं। ये संस्कार हमारे ही दिए हुए हैं, तो हम लोगों को औरों को शिक्षा नहीं देकर हम लोगों को ये शिक्षा स्वीकार करनी है, क्योंकि हम जो करेंगे वो बालक सीखेंगे। तो इसलिए कल एक बहन कह रही थी, महाराज इतने नियम बताते हुए मोबाइल का भी तो कहो, ये मोबाइल भी आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो पहले ये बीमारी हमें छोड़नी पड़ेगी, तब अपने आप ही औरों को संस्कार मिलेंगे। हम तो मोबाइल रखते हैं, हम दूसरों को रोकते हैं, तो कैसे संस्कार पड़ेंगे। इसलिए ये जरूरी चीज है, उसका उपयोग करो, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा, जिसके कारण देखो कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही है। तो विशेष हम लोग ये नियम बना लें कि हम स्वयं और अपने घर में बालकों को भोजन करते समय मोबाइल या टीवी चालू रख करके हम भोजन नहीं करेंगे। हम लोग भगवान को याद करके, भगवान को प्रणाम करके फिर प्रसाद पाएंगे। राम। एक नियम है प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना। जय श्री कृष्णा। प्रसाद झूठा नहीं छोड़ना। हमारी संस्कृति में भोजन को प्रसाद, प्रभु के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद मानते हैं।
अन्य देवता को पूजते हैं तो यह स्वतः ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना भी भोजन अपनी थाली में ले उसे झूठा ना जाने दे। जहां दुनिया में कई जगह लोग भोजन के एक एक कण के लिए तरसते हैं, वहीं हम लोग शादी पार्टी इत्यादि में प्लेट भर भर कर भोजन लेते हैं, जितना मन हुआ पा लिया, बाकी यूं ही प्लेट रख देते हैं। इसलिए ध्यान दे, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो पंडाल में मौजूद सभी सत्संग प्रेमियों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रसाद झूठा ना छोड़े। तो आओ आज हम सब मिल लेंगे यह प्रण, अब से झूठा ना छोड़े अन्न का कण। बात हृदय में रखकर इस बात को घर लेकर के जाना है, आज से हम भोजन झूठा। बहुत सुंदर।